तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक ट्री दिखाया जाता है जहां पर एक लेजेंडरी पोकेमोन हो आ रहा होता है। और फिर हमें लुकारियो दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेज दौड़ रहा था और अपनी पावर से देखता है कि दूसरी तरफ एक सेना आ रही है। और फिर यहीं पर एक और सेना भी आती है जब वो अपनी पावर का यूज करता है, पर तभी एक हाउंड आवर लुकारियो पर हमला कर देता है। तभी लुकारियो क्रिस्टल पर हाथ रख अपने मास्टर एरन से कहता है कि यहाँ पर जंग होने वाली है। इस पर आइली कहती है कि इससे किंगडम जरूर तबाह हो जाएगा। लुकारियो अपनी पावर से उन तीनों के तीनों हाउंड आवर्स को भी हरा देता है। तभी एरोन अपने पिजियोट पर सवार होकर वहां से चला जाता है। फिर यहीं पर एक सेना बिल्कुल तैयार होकर आ चुकी थी। तभी एरोन पर कुछ स्कारमरीज हमला कर देते हैं जिनसे एरोन बड़ी मुश्किल से वहां से बच जाता है। तभी वहां पर लुकारियो भी आ जाता है और एरोन लुकारियो से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद एरोन वहां से चला जाता है। लुकारियो उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी एरोन उसे अपनी स्टिक से कैद कर लेता है। फिर हमें एक और सेना दिखाई देती है जो कि जंग के लिए आ रही थी। तभी हमें एक और पोकेमोन दिखाया जाता है वो जो कि ट्रांसफॉर्म होकर म्यू बन जाता है। तभी जंग शुरू हो जाती है और सभी एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। तभी पिचियोर आकर आइलू को उसका स्टिक दे देती है। तभी बहुत सारे क्रिस्टल्स ग्लो करने लगते हैं, इससे पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है जिससे पूरी की पूरी सेना रुक जाती है। आइली को भी पता चल गया था कि एरोन ने किंगडम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लिया है। फिर वहां पर पूरी की पूरी सेना वापस चली जाती है। इसके बाद कहानी आ जाती है 100 साल के बाद जहां पर एक कंपटीशन हो रहा था। यहां पर बहुत से लोग आ चुके थे, यहां तक कि ऐश की टीम भी वहां आ चुकी थी। फिर ऐश को हमें फिर से बहुत एक्साइटेड दिखाया जाता है। ब्रॉक कहता है कि इसके लिए हमें नए कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर वो सभी अपने अपने मनपसंद कपड़े चुनने लगते हैं। तभी पिकाचू को एक पीचू दिखाई देता है जो कि बाद में ट्रीको बन जाता है और वहां से चला जाता है। सभी अपने कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और साथ साथ वो पिकाचू को भी कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। तभी वहां पर टीम रॉकेट भी आ जाती है और फिर जेसी क्वीन वाले कपड़े पहन लेती है और साथ साथ जेम्स और म्याउत को कहती है कि वो मेरे बॉडीगार्ड बने। जेम्स और म्याउत ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर सीन आता है क्वीन एलिना की तरफ जो कि कंपटीशन को स्टार्ट कर देती है और ऐश उसका विनर बन जाता है। और फिर हमें पहली बार इस फिल्म में केट को दिखाया जाता है। उसके बाद ब्रॉक फिर से उससे मिलने आ जाता है पर मैक्स उसे रोक देता है। फिर रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश को वो एरोन की स्टिक दी जा रही थी और ऐश जैसे ही उस स्टिक को पकड़ता है उसके अंदर कुछ चमकने लगता है और वो बोलने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐश को लगता है कि ये आवाज़ पीछे से आई है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर यहाँ पर पार्टी हो मनाई जा रही थी। फिर ऐश भी अपने पोकेमोन्स को बाहर लाता है और खुद भी वहाँ आने की कोशिश करता है पर वो नहीं आ सकता क्योंकि वो एक हीरो बन चुका था। ये सुनकर ऐश काफ़ी निराश हो जाता है। फिर यहाँ पर म्याउत आराम से खाना खा रहा था और फिर बाकी पोकेमोन्स किसी कमरे में चल जाते हैं और म्याउत भी उन्हें देख लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये केट असल में एक एजेंट थी जो कि यहाँ कुछ ढूंढने आई थी और अपनी सारी जानकारी अपने बॉस बेंस को दे रही थी। फिर केट खिड़की के रास्ते से बाहर निकल आती है और म्याउत भी उसे देख लेता है। फिर मंचलैक्स कुछ खाना ले जाता है और मैक्स उसे देख लेता है। फिर तभी सभी पोकेमोन्स छत पर आ जाते हैं और वहाँ के खिलौनों से खेलने लगते हैं। फिर तभी केट भी छत पर आ जाती है और म्याउत भी उसका पीछा करता है पर म्याउत का पैर फिसल जाता है और वो छत के अंदर चला जाता है। म्याउत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो पिकाचू ट्रांसफॉर्म होकर म्यू बन जाता है जिसके बाद केट भी उसे पहचान लेती है और अपने वीवाइल्स को उस पर भी अटैक करने के लिए भेज देती है। म्याउत जैसे ही उठता है तो वो म्यू को देखकर हैरान हो जाता है। तभी वीवाइल उन पर अटैक कर देता है और वो म्यू को पकड़ने के लिए पहले मंचलैक्स और बाकी पोकेमोन्स को फ्रीज कर देते हैं। वीवाइल उन पर शैडो बॉल का अटैक करने वाली थी कि पिकाचू तभी बीच में आ जाता है और धमाका कर देता है। फिर म्यू उन्हें कंफ्यूज करने के लिए म्याउत बन जाता है। फिर पिकाचू और वीवाइल की फिर से टक्कर होती है और फिर से एक बड़ा धमाका होता है जिससे पिकाचू जख्मी हो जाता है। मैक्स भी खड़ा ये सब देख रहा था कि तभी म्यू उन दोनों को लेकर टेलीपोर्ट हो जाती है और मैक्स हैरान हो जाता है। म्यू उन दोनों को छत के ऊपर ले जाती है और म्याउत का हाथ फिसलने ही वाला था कि तभी म्यू पिजियोटो बनकर उन दोनों को ले जाती है। केट भी उन्हें जाते हुए देख लेती है और मैक्स कहता है कि अभी अभी हुआ क्या। फिर सीन आता है ऐश की तरफ जिसे
पोज करना था बिल्कुल एरन की तरह, और वो जैसे ही एरन की तरह ही पोज करता है तभी बाहर आतिशबाजी जलने लगती है, पर तभी वो स्टिक चमकने लगती है जिसके इफेक्ट से लुकारियो बाहर आ जाता है और वो सीधा ही ऐश के पास आ जाता है और कहता कि आपने ऐसा क्यों किया। पर ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, पर जैसे ही लुकारियो अपनी आंखें खोलता है तो वो ऐश को देखकर परेशान हो जाता है कि ये एरन तो है ही नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ के नज़ारे को देखकर वो समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वो अपने कमरे को ही बदलता देख बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसे एलन दिखाई देती है जिसे वो आइली कह रहा था, पर एलन कहती है कि आइली मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थी। जब लुकारियो को ये भी पता चल जाता है कि वो 100 सालों से कैद में था, तब वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि उस दिन हुआ क्या था, जिस पर लुकारियो कहता है कि 2 सेनाएं लड़ने वाली थी और एरन अपने किंगडम को छोड़कर भाग गया था। साथ साथ वो ये भी कहता है कि एरन ने ही मुझे कैद में किया था, जबकि ये कहानी छूटी है कि शायद एरन ने किंगडम को ना बचाया हो। तभी मैक्स आ जाता है और कहता है कि म्यू म्याउथ और पिकाचू को ले गई, और फिर वो लुकारियो को भी देखकर हैरान हो जाता है। एलन कहती है कि म्यू की तो आदत ही यही है कि वो हर रोज यहीं पर आती है और कुछ सामान ले जाती है। टीम रॉकेट भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि म्याउथ गायब हो चुका है। तभी एलन उन्हें वो ट्री दिखाती है जहां पर म्यू रहती है। फिर सभी को पता चल जाता है कि पिकाचू भी शायद वही होगा। फिर एलिना लुकारियो से पूछती है कि क्या उसके पास ऑरा को महसूस करने की पावर है, जिस पर लुकारियो हाँ कह देता है। फिर तभी वहां पर केट आ जाती है जिसे देखकर ब्रॉक उसे पहचान लेता है कि ये तो सुपर एजेंट है, और फिर उसकी बायोग्राफी दिखा देता है। केट कहती है कि वो यहाँ पर म्यू और उस ट्री के बारे में जानने आई है। सीन आता है लुकारियो की तरफ जो कि एरन की तस्वीर को देख रहा था। तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और वो ऐश को ही पकड़ लेता है। ऐश कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों पकड़ा। तब लुकारियो कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है कि तुम मेरे पीछे से आए। जब ऐश अपने दोस्त पिकाचू की बात करता है और साथ साथ उससे भी उसके दोस्त के बारे में बात करता है, तो लुकारियो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगले ही सीन में सभी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं और साथ साथ टीम रॉकेट भी गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। फिर यहीं पर केट कहती है कि ऑरा वो जीवन तत्व होता है जो सभी के अंदर मौजूद होता है, और ये खासकर इस फिल्म में एरन लुकारियो और ऐश के पास भी था। फिर सीन आ जाता है म्याउथ म्यू और पिकाचू पर, जहाँ पर पिकाचू आराम कर रहा था। फिर ब्रॉक उन सभी के लिए खाना बना रहा होता है कि तभी बोन्सले उसका खाना छीन कर वहाँ से भाग जाता है, पर लुकारियो उसे रोक देता और कहता है कि जो खाना तुम्हारे लिए है वो तुम मत खाओ, और फिर वो उसे बेरी दे देता है। फिर सीन आता है कि पिकाचू बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो दोनों खुशी से खेलने लगते हैं, और म्याउथ भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। पर तभी म्याउथ का हाथ पेड़ के अंदर चला जाता है और जिसे देखकर पिकाचू भी हैरान हो जाता है, और तभी पता चलता है कि वो पेड़ एक तरह की लिफ्ट है। इसके जरिए वो तीनों पेड़ के काफी ऊपर आ जाते हैं और नज़ारा देखने लगते हैं। सीन आ जाता है ऐश की तरफ जो कि गर्म पानी की नदी में मजे कर रहे थे। तभी लुकारियो उन्हें देखकर कुछ याद करने लगता है कि एक वक्त वो भी एरन के साथ ही ऐसे मजे कर रहा था। तभी ऐश को एक फूल दिखाई देता है जिसके लिए वो ऊपर चढ़ने लगता है, पर जैसे वो उस फूल को हाथ लगाता है तब वो नीचे गिर जाता है और फूल भी गलती से टूट जाता है। फूल को देखकर लुकारियो को फिर से कुछ याद आने लगता है कि एरन ने उसे कहा था कि एक वक्त का फूल है जो हमें अतीत दिखाता है। ऐश जैसे ही उस फूल को हाथ लगाता है तभी वो फूल चमकने लगता है और उसे अपना अतीत दिखाई देने लगता है। केट कहती है कि ये एक वक्त का फूल है जो हमें अतीत दिखाता है। फिर ऐश रात को कहता है कि पिकाचू ने मुझे बहुत सारे स्वेलों से बचाया था जिसकी वजह से हम अब दोस्त रहे हैं। ये सुनकर लुकारियो को फिर से कुछ याद आने लगता कि वो भी अपने मास्टर के साथ बहुत सी प्रैक्टिस किया करता था। लुकारियो बाद में कह देता है कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। ये सुनकर ऐश को गुस्सा आता है, वो कहता कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी लुकारियो कहता कि तुम्हारा पिकाचू तुम्हें पसंद ही नहीं करता। फिर ऐश भी गुस्से में आकर कह देता है कि तुम भी तो किंगडम को छोड़कर भाग गए थे। ये सुनकर लुकारियो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा पिकाचू भी तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। ये सुनकर ऐश उसे लिपट जाता है, पर तभी मैं उसे बीच में रोक देती है और लुकारियो यहाँ वहां से फिर से चला जाता है। लुकारियो ऐश से कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी ऐश कहता है कि पहले उसने शुरुआत की थी, पर मैं कहती है कि तुमने भी तो उसे बुरा कहा था। फिर सीन आता है म्यू की तरफ जिसके पास बहुत सारे खिलौने थे और वो उन्हीं खिलौनों से खेलती जा रही थी। सीन आता है ऐश की तरफ जो कि अभी भी पिकाचू के बारे में सोच रहा था, और ये सब होते हुए लुकारियो भी उसे देख लेता है। फिर सुबह सभी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, पर तभी लुकारियो रुक जाता है क्योंकि लुकारियो को पता चल गया था कि ये वही जगह है जहां उसे कैद किया गया था। तभी उसे एक वक्त का फूल मिल जाता है जिससे उसे अपना अतीत दिखाई देता है, और ऐसा होते हुए ऐश और बाकी सब भी देख लेते हैं और ऐश काफ़ी उदास हो जाता है।
अज्ञो को ऐसा लगता है कि शायद एरॉन की ये कहानी बिल्कुल झूठी है। तभी ऐश लुकारियो के पास आ जाता है और लुकारियो से माफ़ी मांगता है, पर लुकारियो कहता है मैं तुम्हारे दोस्त पिकाचू को जरूर बचाऊंगा, पर इसके बाद तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम पिकाचू के अच्छे दोस्त बने रहोगे। ऐश उससे इस बात के लिए वादा कर देता है, पर तभी वहां पर रेजी रॉक आ जाता है और फिर लुकारियो और रेजी रॉक की छोटी सी फाइट होती है और टीम रॉकेट मौका देखकर यहां से भाग जाती है। बाकी सब गुफा के रास्ते से भाग जाते हैं। एलन को अभी भी उन्हीं के बारे में चिंता हो रही थी और फिर आखिरकार ऐश और बाकी सब गुफा के राह उस ट्री के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बड़ी सी नदी और बहुत सारे पोकेमोन्स दिखाई देते हैं। फिर ऐश पिकाचू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है और केट बहुत सारे मिनी ड्रोन्स को बाहर निकालती है और भेज देती है और अपनी बहुत सारी जानकारी मिस्टर बेंस को दे रही थी। टीम रॉकेट भी वहां आ जाती है, पर तभी वहां पर अचानक से फिर से रेजी रॉक आ जाता है, जिसे देखकर टीम रॉकेट डर जाती है। सभी मिनी ड्रोन्स उस क्रिस्टल की जांच कर रहे थे, तभी उनमें से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जिससे कि बेंस को खतरे का सिग्नल मिलता है कि इकोसिस्टम जो कि ट्री में है उसमें से कुछ वाइट सेल्स निकलने लगे हैं। और फिर ऐश जोर जोर से पिकाचू की आवाज़ें निकालने लगता है और जिसे पिकाचू सुन लेता है और पिकाचू भी फिर आवाज़ें निकालने लगता है, जिससे कि ऐश बड़ा खुश हो गया था। पर तभी वहां पर रेजी आइस आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर टीम रॉकेट मदद के लिए आती है, जिनके पीछे रेजी रॉक और रेजी स्टील पड़े थे। तभी लुकारियो उन दोनों से लड़ता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं और जिन्हें पिकाचू और म्याउथ भी देख लेते हैं। फिर लुकारियो अपनी पावर से उस पुल को तोड़ देता है, पर तभी जेसी को पहले एक वाइट सेल और फिर जेम्स को भी वाइट सेल निगल जाता है। एक वाइट सेल लुकारियो को भी पकड़ लेता है, पर लुकारियो को कुछ नहीं होता क्योंकि ये जो वाइट सेल्स थे ये पोकेमोन को छोड़कर बाकी सब को निकलते हैं। फिर केट और बाकी सब सोचते हैं कि वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। तभी ऐश और लुकारियो एक रास्ते जाने लगते हैं, पर रेजी रॉक और रेजी स्टील उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर तभी एक वाइट सेल पहले मैक्स को, फिर ब्रॉक को और फिर मे को भी निकल लेता है और फाइनली फिर ऐश को पिकाचू मिल जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार पिकाचू तक पहुंच जाता है। फिर तभी केट भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि हमें जल्दी से जाना होगा। फिर यहां पर पहली बार पिकाचू की मुलाकात लुकारियो से होती है, पर तभी वहां पर रेजी आए और वो दो वाइट सेल्स पीछे आ जाते हैं। केट को बाहर जाने का रास्ता तो मिल जाता है, पर तभी रेजी स्टील लुकारियो को पकड़ लेता है और दो वाइट सेल्स भी ऐश और केट को पकड़ लेते हैं। पिकाचू बहुत कोशिश करता है ऐश को बचाने की, पर वो ऐश को नहीं बचा पाता। ये देखने के बाद पिकाचू बहुत इमोशनल हो जाता है, पर तभी म्यू अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर देती है और बाकी सब वापस आ जाते हैं, यहाँ तक कि ऐश भी वापस आ जाता है। ये देखने के बाद रेजी स्टील, रेजी रॉक और रेजी आइस वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी म्यू कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी जीवन शक्ति लगा दी थी। टीम रॉकेट भी वापस आ जाती है, पर वो देखती है कि यहाँ सब कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि इस ट्री का इकोसिस्टम ख़राब हो चुका था और ये कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। तभी म्यू उन्हें आने के लिए कहती है जहाँ पर उस ट्री का हार्ट था, पर तभी लुकारियो को एरॉन के ग्लव्स दिखते हैं और ग्लव्स ही नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है। फिर ऐश को तभी वक्त का फूल दिखाई देता है, जिससे उसे एरॉन के अतीत के बारे में पता चलता है और ये अतीत देखने के बाद लुकारियो को पता चल जाता है कि ये सब एरॉन ने अपने किंगडम के लिए किया था और ये देखकर लुकारियो उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर तभी लुकारियो म्यू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर केट कहती है कि लुकारियो इससे अपनी जान गंवा सकता है, पर ऐश भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो दोनों ही अपनी ऑरा पावर को म्यू को देने वाले थे, पर लुकारियो बीच में ही ऐश को धक्का दे देता है और अपनी सारी ऑरा पावर म्यू को दे देता है, जिससे कि उस ट्री का इकोसिस्टम भी ठीक हो चुका था और सभी क्रिस्टल फिर से ग्लो करने वाले थे। और क्योंकि अब ये ट्री रीजनरेट हो चुका था और म्याउथ को भी अपने जेसी और जेम्स वापस मिल गए थे और बाकी सब भी अब खुश थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था। फिर केट बेन से कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए और जैसे सीक्रेट रखे, पर तभी लुकारियो कमज़ोर हो जाता है और वो अपने आखिरी सांसें गिनने लगता है। तभी उसे अपने दोस्त एरॉन का अतीत फिर से दिखता है, जिसमें वो कहता है कि लुकारियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि वो फिर से मेरे साथ आए। ये सुनने के बाद लुकारियो इमोशनल हो जाता है और वो ऐसे कहता है कि वो भी अपने ज़िंदगी में पिकाचू का अच्छा दोस्त बने रहे, और ये कहने के बाद लुकारियो मर जाता है और एरॉन के साथ ही चला जाता है। फिर ऐश और केट वापस बाहर आ जाते हैं और मैक्स पूछता है कि लुकारियो कहाँ है। ऐश कहता है कि लुकारियो अब नहीं रहा, वो अपने दोस्त एरॉन के पास वापस जा चुका है,
पर ऐश कहता है कि उसका ऑरा अभी भी जिंदा है जो कि मेरे पास है, और बाकी सब फिर आसमान को देखने लगते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो भाई लोग, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।